कम बेटा, आराम से। कैसा रिसोर्ट है ये? लगता है हम अकेले आए हैं यहाँ। तुम तो बड़े खुश हो रहे थे, ऑफिस से फ्री हॉलिडे पैकेज मिला, देखो क्या मिला है। अरे यार बंद पड़ा हुआ था, अभी फिर से रेनोवेट हुआ है। पता नहीं क्या लेकर जाने लगती हो। और तुमको मालूम है अपने पहले नए गेस्ट को ये गोल्ड कॉइन दे रहे हैं, साथ में शाम का चाय नाश्ता फ्री। यू नो व्हाट पंच, कुछ भी फ्री मिलता है ना तो तुम उसे चिपक जाते हो। पापा होटल नो गुड। अरे आप लोग आ गए, आइए आइए, आप हमारे पहले मेहमान। आप कौन? मेरा नाम मथिया है, यहाँ का केयरटेकर हूँ। इस रिसोर्ट की देखरेख मैं करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग हैं और कोई नहीं है? और भी लोग हैं, वो एक दो दिन में आ जाएंगे। इतना वहाँ खड़े रहके क्या करिए, जा सावलों का कमरा साफ कर और बाजार में जाके खाने का सामान भी कुछ लेकर आ। अब ये कौन है? ये रिसोर्ट में काम करती है, बहुत अच्छी कुक है। रात को बच्चे को अच्छे से पकड़ कर सोना, रात को अक्सर ये खेलने चले जाते हैं उसके साथ। रात को बच्चे को अच्छे से पकड़ कर सोना, रात को अक्सर ये खेलने चले जाते हैं उसके साथ। कब से देख रहा हूँ मेरे बच्चे को घूरे जा रही है, तकलीफ क्या है तुझे? देखने दो ना साहब, कितना प्यारा बच्चा है ये, ना जाने कब तक ये यहाँ रहेगा। कब तक यहाँ रहे मतलब क्या बोल रहे हो तुम? मथिया इस औरत को मेरे सामने से हटा, वरना मतलब निकल निकल यहाँ से, हटा उसे। चलो अभी हम रूम में चलते, चलो भी। ये अपने बेटे को खो चुकी है यहीं पर, बस अब दिन रात अपने बेटे को ढूंढते रहती है। क्या हुआ इसके बच्चे को? इसका बच्चा किडनैप हुआ है इसी होटल से। किडनैप? एक बच्चा चोर है, वो बस यहीं कहीं रहता है। मैं चाबी भूल गई। अच्छा बेटा मैं अभी आती हूँ चाबी लेके, ओके? अभी अभी तुम कहीं मत जाना, ओके? नो मस्ती, मैं जल्दी से आती हूँ। अभीर शिवानी, तुम अकेले? अबीर कहाँ है? कमरे के बाहर, चाबी भूल गई थी ना। अकेले छोड़ाई शिवानी, चलो जल्दी। अरे जल्दी चलो। अबीर कहाँ चला गया? अबीर को मैं यहीं पे छोड़ के गई थी। अबीर यहाँ छोड़ा सकते, कहाँ गया? अबीर 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 चॉकलेट कंचोला लेकर गया, कंचोला लेकर गया उसे। नहीं, कंचोला मेरे बेटे को नहीं ले जा सकता। अबीर अबीर चले किधर? कंचोला आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बेटा अबीर 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 बेटा अबीर 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 हमारे अबीर
अबीर अबीर अबीर अबीर साहब साहब कंजूला कंजूला रुक कंजूला रुक जा भाई वंश अरे यार रुक कंजूला वंश 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 पता नहीं कहाँ चला गया, प्लीज उसे ढूंढिए। मैंने उसे पहले ही कहा था ये जगह ठीक नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चला गया, प्लीज उसे ढूंढिए प्लीज। साहब कंचोला ने ही अबीर का किडनैप किया है, ठीक वैसे जैसे मेरे बेटे का किडनैप किया था। एक मिनट क्या कहा तुमने, तुम्हारा बेटा भी किडनैप हुआ है? हाँ साहब, कंचोला ने मेरे बेटे का भी किडनैप किया था, आज तक नहीं मिल सका। अच्छा एक बात बताओ, शिवानी के सिर पे जो चोट है वो कैसे हुई? साहब वो हम कंचोला के पीछे पीछे भाग रहे थे, वंश तब अचानक किसी ने इन पर वार कर दिया। जैसे ही चिल्लाई हम आवाज सुनकर उस तरफ गए। भीम साहब आप ठीक तो है ना? साहब इनके पति का मिलना मुश्किल। क्या मुश्किल है मतलब? इधर आइए साहब, कुछ दिखाना है। My God! साहब जब वो वंश के चिल्लाने की आवाज आई ना, वहां झाड़ियों में ये आग पड़ी हुई थी। हमें लगता है ये आग वंश की है, और ये बात हमने अभी तक शिवानी को बताई नहीं है। सर अगर ये वंश की आंख है तो फिर वंश कहाँ है? उसका बेटा अभी भी गायब है। वही तो, तुम लोग जंगल में जाओ, यहाँ पे खून गिरा है, लगता है वंश की आंख यहाँ पे निकाली गई होंगी। सर बहुत अजीब बात है, यहाँ उसकी आंख निकाली और उसे कहीं और ले गए, लेकिन वो कंचोला बाप बेटे दोनों को ले किसे गया होगा? किसी एक आदमी का काम नहीं है फ्रेडी, मुश्किल है। चलो आगे देखते हैं। सर किडनैपर ने आग क्यों निकाली? एक बार वो मिल जाए उसी से पूछ लेना। ओके सर। ए? जंगल के अंदर ये घर, चलकर पूछते हैं शायद इसने कुछ देखा हो। सर कंचोला भी तो हो सकता है। तैयार हो? सर यहां तो कुछ भी नहीं। अरे यार अभी तो गोली चल जाती, तुम तो गलती से भी मुझ पर गोली नहीं चलाओगे। पूरा जंगल छान मारा है, वो बच्चा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा। सिर्फ वो बच्चा ही नहीं, वंश को भी किडनैप कर लिया कंचोला ने, और पीछे छोड़ गया है उसकी आंख। वंश की आंख? हाँ वंश की आंख मिली है हमें,
बच्चा और वंश को लेके वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, यही कहीं आसपास ही होना चाहिए। घर के अंदर तो कोई भी नहीं है, उस तरफ भी कोई नहीं दिखा, पीछे देखते हैं। चलो सर, ये देखिए बहुत सारे जूतों के निशान। इधर ही जा रहे सर, पानी में ढेर सारे सूखे हुए पत्ते और यहाँ तो आसपास हरियाली है। अभिजीत, लगता है अंदर किसी की लाश है। तुम लोग प्लीज जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, वंश को पता नहीं क्या हो गया, सीआईडी भी यहाँ पे, मुझे वाटर लग गया, प्लीज प्लीज जल्दी से आ जाओ। कंचोला बच्चा चोरे साहब, मेरे बेटे को भी वो ऐसे ही उठाकर ले गया था। ये कंचोला कब से है यहाँ पर? मेरा मतलब है तुम कंचोला के बारे में कब से सुनते आ रही हो? वो तो नहीं पता साहब, लेकिन हाँ वो हमेशा हमेशा अमावस्या की रात को ही आता है। मेरा बेटा भी अमावस्या की रात को बाहर सो रहा था और वो उसे उठा कर ले गया। मैंने बहुत ढूंढा साहब, बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिला। ये तो वंश है। पानी के अंदर चेन से बांध के रखा था ताकि लाश बाहर ही ना आए। सर पहले इसकी आंख निकाल दी और फिर इसे इस तरह डुबो दी। कंचोला करना क्या चाहता था, बच्चे की किडनैपिंग या वंश का खून? एक बात तो साफ है, सिर्फ बच्चे की किडनैपिंग करना तो मकसद नहीं था। ये कंचोला के साथ कोई ना कोई तो जरूर मिला है। मैं और पूर्वी यहाँ जंगल में देखते हैं। ठीक है, हम लोग इस लाश को रिसोर्ट में ले जाते हैं। अब वंश के करीबी दोस्त लग रहे हैं सर। हाँ लगता तो है, मगर एक बात खटक रही है, ये शिवानी इसने अब तक अपने बेटे अबीर के बारे में बोला तक नहीं है, जबकि अबीर भी वंश के साथ साथ किडनैप हुआ। अब वंश तो इस हालत में मिला है, पर अबीर, अबीर का क्या? वो तो उसे याद ही नहीं कर रही है कि वो कहाँ है। हाँ सर, अबीर शिवानी का बेटा है ही नहीं। क्या? हाँ सर, अबीर को शिवानी और वंश ने गोद लिया था। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए शिवानी को अबीर के बारे में इतना दुख नहीं है। फिर भी सर, है तो वो माँ ही, बच्चे को तो गोद लिया है उसने। हाँ सर, अभी दो हफ्ते पहले ही इन्होंने अबीर को गोद लिया था, काफी खुश थे दोनों। सर शिवानी बता रही है कि उसको ये हॉलीडे पैकेज उसके ऑफिस ने दिया है। ऑफिस से? नॉट पॉसिबल सर। सर हमारा एक छोटा सा कटलरी का बिजनेस है और कंपनी का इतना टर्नओवर है कि ऐसे एम्प्लॉयज को हॉलिडे पैकेज देते फिर। सर ये बात तो सिर्फ वंश को बताती, और वो तो मर चुका है। हॉलिडे पैकेज किसने दिया था ये कैसे पता चलेगा सर? ये हॉलिडे पैकेज जिसने भी दिया उसका मकसद यही था, अबीर को किडनैप करना और वंश का खून करना। नादिया बिल्कुल सही है, और जिसने भी ये प्लानिंग किया ना वो यहाँ मौजूद था, उसने 9 फीट का गड्ढा खोद के भी रखा था। चेतना ने कंचोला को देखा, कंचोला का स्केच बनवाते इससे। ये इतना साज श्रृंगार करके किडनैपिंग करने के लिए आया था, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। किडनैपिंग करने से ज्यादा खुद को छुपाने जैसी बात लगती है। सर, सर उस एरिया से पिछले 1 महीने में कोई भी बच्चा किडनैप हुआ ही नहीं। कोई भी बच्चा किडनैप नहीं हुआ मतलब अभिजीत, ये 4 बच्चों की किडनैपिंग की कहानी झूठ है। किडनैप हुआ सिर्फ एक ही बच्चा अबीर, चेतना ने हमसे झूठ बोला है। सर चेतना और माथिया दोनों गायब है, उस रिसोर्ट में नहीं है। ये और सर रिसोर्ट का मालिक एक NRI है, इंडिया में नहीं रहता। सर ये अबीर की किडनैपिंग को कंचोला सीरियल किडनैपिंग दिखाना चाहता था और मकसद था वंश का खून। ये कंचोला कब से दिखाई पड़ रहा था उस जगह? 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले
और दो हफ्ते पहले तो अबीर को गोद लिया गया था वंश और शिवानी ने। सर इसी दो हफ्ते में वंश को भी हॉलिडे पैकेज मिला था उस रिसोर्ट का। मतलब अभिजीत, यह अबीर का गोद लेना ही वंश की मौत का कारण है। पता लगाना पड़ेगा अबीर को कहां से अडॉप्ट किया गया था। असंग, वंश की आंख ने कुछ बताया? उसकी लाश ने कुछ कहा? सबने बोला, बस आंख ने भी बोला और लाश ने भी नहीं। बस इसके सर पर एक हल्की सी चोट का निशान है जिससे लगता है कि पहले किसी ने इसके सर पर वार करके इसे बेहोश किया, बेहोशी की हालत में इसकी आंख निकाली और बाद में इसे पत्थर से बांधकर पानी में डुबाया। मतलब पानी में डुबाने से पहले वंश जिंदा था। हाँ बस। और आंख ने क्या बोला? इसकी आंख जिस चाकू से निकाली गई है उसके दो मुंह है। दो मुंह वाला चाकू? सालूंगे साहब, ये कैसा चाकू है? रेडी, ये ऐसा चाकू है। इसे चीज नाइफ कहते हैं। और क्या पता चला? बस उस चाकू के कुछ महीन महीन टुकड़े, बहुत बहुत बारीक बारीक टुकड़े इसकी आंख पर मिले। नो सर, पुराना चाकू होगा तो जंग के निशान होंगे। नहीं पूर्वी, ये जंग के पार्टिकल्स नहीं है। बस उस चाकू पर क्रोमियम प्लेटिंग की गई थी लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था। उसकी फिक्सिंग और बफिंग नहीं की गई थी, पॉलिशिंग नहीं की गई थी और इसीलिए क्रोम के छोटे छोटे महीन टुकड़े इसकी आंख पर आ रहे हैं। ये देखो, इसका मतलब है ये चाकू अभिजीत किसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री में से लाया गया है जहां पर क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, क्रोमियम की। सर ये वंश जिस कंपनी में काम करता है वहां पे भी तो चाकू छुरी बनती हैं। अपने लिए चाकू तो लाया नहीं होगा, जरूर कोई फैक्ट्री का ही आदमी होगा। देखिए, जिस चाकू से वंश की आंख निकाली थी वो एक चीज नाइफ है, चीज नाइफ। और वो नाइफ, वो चीज नाइफ बिल्कुल फ्रेश प्लेटिंग की हुई है लेकिन पॉलिश नहीं, जैसे कि ये नाइफ। इसको पॉलिश नहीं किया गया है ना? ये प्लेटिंग का काम आपके यहां ही होता है ना? हाँ सर, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि जिस चाकू से वंश की आंख निकाली गई है वो इसी फैक्ट्री का है, उन्हीं ने वो चाकू यहीं से लिया था। एक्सक्यूज मी, तो क्या आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? आप लोग यहीं काम करते हैं इसलिए आपसे पूछताछ की जा रही है। सर ऐसे तो वंश की वाइफ शिवानी वो भी यहाँ आती जाती रहती थी, अब उनसे पूछताछ क्यों नहीं करते? किससे पूछताछ करनी है किससे नहीं ये हम तय करेंगे, आप नहीं, समझे? लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, वंश का खून उसके किसी नजदीक आस पास के खास आदमी ने किया, किसी खास आदमी ने, और वो चाकू वो इसी फैक्ट्री में बना है। अपूर्वी, अच्छा ठीक है, हम आते हैं। सर हमने सारे अडॉप्शन होम चेक किए और सारे कोर्ट के रिकॉर्ड्स भी चेक किए, अबीर को कभी अडॉप्ट किया ही नहीं गया था। व्हाट? अबीर कभी अडॉप्ट हुआ ही नहीं था? मतलब वंश और शिवानी ने सबसे झूठ बोला है? जी सर, अभीर के असली माँ बाप हिमन और जया, इनकी 3 हफ्ते पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। और सर अभीर के फादर एक अरबपति बिजनेसमैन थे। ओह, मतलब करोड़ों का मालिक बन गया ये बच्चा अभीर। हर कोई उसके पास पहुंचने की कोशिश करेगा ही करेगा, लेकिन ये शिवानी और वंश बीच में कैसे आ गए? सर वंश और शिवानी ने अबीर के माँ बाप के जाने के बाद उसको एडप्ट करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे रखी थी। सर और भी कोई था जो अबीर को अडॉप्ट करना चाहता था? अच्छा, कौन था? सर हिमन की चचेरी बहन यानी अबीर की बुआ डॉली, जिसकी वजह से वंश और शिवानी को अबीर की कस्टडी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उन दोनों ने सबको ये बोलना शुरू कर दिया था कि हमने अबीर को गोद ले लिया है। पूर्वी, उस बुआ जी को तो लेकर आई हो तुम, उसे यहाँ ले आओ। सर अबीर की कस्टडी मिलना मतलब करोड़ों की कस्टडी मिलना। संभाल के। अरे
सॉरी ओके फाइन। ये दिन रात ऐसी ही झूमती रहती है। फाइन। डॉली जी, आप अबीर कुमार की बुआ हैं? बुआ? बुआ तो अचार लाने मार्केट चले गई थी, अभी तक वापस ही नहीं आई। आपकी बुआ नहीं, आप किसकी बुआ? अबीर की। कहाँ है मेरा भतीजा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा कलेजा, मेरी तिजोरी की चाबी, मेरा कहने का मतलब मेरे दिल की चाबी, कहाँ है? सर, ये डॉली कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही है अबीर के लिए। वो 3 हफ्ते पहले ना मेरे भैया भाभी कार एक्सीडेंट में गुजर गए, उसके बाद मैंने कोर्ट से बहुत गुजारिश की कि मेरे भतीजे को मुझे गोद लेने दो, लेकिन कोर्ट ने मना ही नहीं। मेरे भतीजे को शिवानी और वंश भगा कर लेके गए। मैंने ये वंश और शिवानी, इन्होंने सबसे झूठ बोला, अबीर को एडॉप्ट किया ही नहीं और उसे रिसोर्ट लेकर आए। सर, ये अबीर के माँ बाप का कार एक्सीडेंट हुआ था, और जिस तरह की ये मैडम दिख रही हैं, इन पे शक करना गलत नहीं होगा सर। पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, और अब जब ये वंश अबीर को अडॉप्ट करने वाला था, तो हो सकता है इसी ने वंश को मार दिया। सर, पहले शिवानी से बात करनी होगी, अगर उससे पता चल गया कि अबीर के फेक अडॉप्शन का क्या चक्कर है, तो ये कंचोला इसने इतनी नफरत से वंश को मारा है, उसका राज खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हाँ, और हम अबीर की जान बचा सकते हैं। शिवानी, शिवानी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं क्या? सर, लगता है भाग गई। सीआईडी पीछे पड़ती है तो मुजरिम भाग ही जाते हैं। रवि, शिवानी को फोन ट्राई करो, अगर इस कंचोला ने वंश का खून किया है तो शिवानी को भी नहीं छोड़ेगा वो। सर, फोन तो यहीं छोड़ के गई। रवि, फोन उठाओ और हाँ, शिवानी बनकर बात करना, समझ गए ना? हेलो शिवानी, तेरा बाय बाय बोलने का टाइम आ जाएगा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। मैंने पहचाना नहीं, आप कौन? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं, अगर तुम ये चाहती हो कि अभीर भी मिल जाए और तुम्हारा राज किसी को पता भी ना चले, तो 5 करोड़ रुपए लेकर आ जाना, जहाँ मैं कहूँगा, और अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारी एक नहीं दोनों आंखें निकाल दूंगा। लेकिन मैं तुमसे मिलने आऊंगी कैसे? सीआईडी मेरे पीछे पड़ी है, अगर पकड़ी गई तो? अरे लड़की हो, बुर्का पहन लेना, घूंघट ओढ़ लेना, कुछ भी करो, लेकिन मुझे 5 करोड़ दे देना। ठीक है, आना कहाँ है? बी ब्लॉक 4 नंबर बस स्टॉप, वहाँ एक बड़ा सा डस्टबिन रखा होगा, उसमें पैसों का बैग डाल देना, ठीक 3 बजे। तीन बज गए, उर्वी आ जाओ। उर्वी, संभाल के आ। गड़बड़ लग रहा है, यही तो नहीं है वो? आसपास चेक करने आया, कोई खतरा है क्या?
यही। शहर है ना, अंदर वो बच्चा हो सकता है। अभी पूर्वी अंदर जाने के बाद सबसे पहले बच्चे को अपने कब्जे में लेना। ये अंकल गए। खेल खत्म हो गया तुम्हारा। जतिन, लगता है जहर दिया गया। ये पिन का निशान पॉइजन गन से लगता मार दिया। जतिन, किसने क्या ये? जतिन बेहोश है, एम्बुलेंस बुलाते हैं, शायद जान बच्चा है। पंकज, ये पैदा निकला, असली खिलाड़ी कोई और है। ये देखो ये ड्रेस, ये हैट, ये दस्ताने, ये विग, दाढ़ी, कहीं ये जतिन ही कंचोला तो नहीं है? हाँ, और ये जतिन के मोबाइल में देखो, कोई प्राइवेट नंबर से लगातार कॉल कर रहा है इसे। तो ये प्राइवेट नंबर असली होनी है, लगता तो ऐसा ही है। उसे नहीं पता कि नंबर प्राइवेट हो सकता है लेकिन लोकेशन प्राइवेट नहीं हो सकती। इसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं, मिल जाएगा ये। हम यहाँ क्यों आए हैं? कोई इंटरव्यू है हमारा? बता रहे हैं। यहाँ चुपचाप खड़ी रहो। मैम शिवानी कहाँ है? हॉस्पिटल में। मेरा भतीजा मिल गया? अरे सर, कंचोला पकड़ा गया क्या? सर, वंश, वंश का खूनी पकड़ा गया क्या? और जतिन, जतिन कहाँ है? ना जतिन यहाँ आ सकता है ना कंचोला, क्योंकि जतिन पर हुआ है हमला। और कंचोला, उसे तो पकड़ लिया होगा ना आप लोगों ने अब तक? मैंने कहा उस पर जानलेवा हमला हुआ। लेकिन सर आपने तो कहा था कि जतिन पर जानलेवा हमला हुआ है, कंचोला यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जतिन ही कंचोला है। What? इसका मतलब ये सब जतिन कर रहा था? इस सब के पीछे उसी का हाथ है? हाँ, इस सब के पीछे जतिन का ही हाथ था। इस जुर्म की शुरुआत हुई अबीर के माँ बाप, करोड़पति माँ बाप की मौत के बाद। जैसे उनकी मौत हुई, अबीर बन गई वो सोने की चिड़िया जिसे सब लोग हासिल करना चाहते थे, शिवानी वंश। और डॉली, शिवानी और वंश ने अबीर को अपने कब्जे में तो कर ही लिया, पर कोई ऐसा था जो इस बात से नाराज था। इतना नाराज कि उसने एक साजिश रची। उसने सीरियल किडनैपर की कहानी बनाई जिससे उसके ऊपर कोई शक ना कर सके। वंश को खत्म करके उसने शिवानी से पैसों की डिमांड की। उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वंश की मौत हो गई है, लेकिन हमने उसका खेल बिगाड़ दिया। वंश की लाश हमें मिल चुकी थी,
उसके पूरे खेल से पर्दा उड़ गया। खूनी को पता चल चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है, तो उसने सोचा कि पूरे नहीं, जितने पैसे मिल जाते हैं उतने लपेट के भाग जाता हूं। जतिन के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, इसका मतलब यह है कि खूनी कोई और है। क्यों भी नेताजी, क्या लगता है आपको कौन हो सकता है खूनी? मैं सर, मैं कुछ नहीं जानती सर। हाँ, आप कैसे जानेंगे, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन आपने बड़ी उत्सुकता से हमें ये बात बताई थी कि ये शिवानी अबीर की सगी मानी। अश्वन जी, जरा बताइए तो सही, ये वंश को ऑफिस से हॉलिडे पैकेज किसने दिया था? सर, मुझे मुझे कुछ नहीं पता सर। अजीब बात है सर, किसी को कुछ भी नहीं पता है, पर पूरी साजिश के तार तुम लोगों से ही जुड़े हुए हैं। और आप मिस जॉली? हाँ सर, चलते हैं। वैसे भी इंटरव्यू के लिए लेट हो गया ना सर। हाँ। आप जरा यहाँ ध्यान देंगे? हाँ सर। आपसे ज्यादा नाराज वंश से और कौन हो सकता है? आपकी करोड़ों की चाबी जो ले गया वो। हाँ? सर, मैं ठीक से खड़ी नहीं हो सकती। मैं क्या किसी को मारूंगी सर? प्लीज मुझ पे तो शक मत कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। अब बचे? हाँ। क्या आप इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? बताते हैं रतन जी, सब बताते हैं, आराम से बताते हैं। बात यह है कि खूनी अपने आप को बड़ा शातिर समझता है। उसने शिवानी को फोन किया पैसों के लिए, अब फोन उठाया हमने, भले ही जतिन ने फोन किया था। जतिन तो मामूली प्यादा था, असली मास्टरमाइंड वहीं पर बैठा था छुपकर जहां से फोन किया गया था। बताओ कौन है? प्राइवेट नंबर में नाम नहीं आता, लेकिन उसके लोकेशन का पता किया जा सकता है मिस्टर रतन। सर, मैंने पैसों के लिए जतिन को शिवानी के घर पर फोन करने को कहा था, लेकिन उसी वक्त शिवानी मेरे पास आ गई। मैं बहुत ही घबरा गया था सर। मैंने जतिन का फोन कई बार ट्राई किया, लेकिन उस बेवकूफ ने फोन उठाया नहीं, और आप लोगों के जाल में फंस गया सर। अबीर की किडनैपिंग की साजिश मैंने वंश और शिवानी ने मिलकर की थी। अबीर के पैसों पर मेरा भी हक था सर, लेकिन वंश और शिवानी ने मुझे किनारे लगाने की कोशिश की, और इसलिए मैंने वंश को मार डाला सर। अबीर के असली माँ बाप हिमन और जया, वो हमारे अच्छे दोस्त थे सर। उनका भी अबीर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था सर। उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी के सारे पैसे का हकदार सिर्फ और सिर्फ अबीर था। हाँ सर, उनकी डॉली बहन जरूर थी, लेकिन ये हमेशा नशे में धुत रहती थी सर। तो अपने स्वार्थ के लिए तुमने अबीर के माँ बाप का एक्सीडेंट करवाया? तो और मैं क्या करता सर, आप ही बताइए मैं क्या करता। हमारा सारा बिजनेस डूब रहा था सर, हिमन और जया के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं बचा था। सिर्फ यही एक चारा था हमारे पास, इसलिए मैंने और जतिन ने मिलकर एक प्लान बनाया। आओ जतिन, आओ। अगर तुमने अभीर की किडनैपिंग और वंश को मारने में मेरा साथ दिया तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। ऐसा करने से अभीर हमारे पास आ जाएगा और वंश को रास्ते से हटा देंगे, और उसके बाद वो लड़की शिवानी वो खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगी। हमने शिवानी को डराकर उससे सारे पैसे लेने की प्लानिंग की थी, और इसीलिए वंश को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था सर।
साइको किडनैपर कंचोला बन चुका था सर, लेकिन एक दिन उसकी मकान मालकिन ने उसको जतिन से कंचोला बनते हुए देख लिया। इसलिए जतिन ने अपनी मकान मालकिन को भी मार डाला। फिर उसके बाद कंचोला बनकर उसने बच्चों को किडनैप करने का नाटक रचा। सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक जा रहा था, लेकिन तभी आप लोगों ने आगे सब बर्बाद कर दिया सर। हाँ, तुम जैसों के लिए ही हम हैं सीआईडी, समझे? तुमने तो ये भी नहीं सोचा होगा कि सीआईडी को वंश की लाश मिल जाएगी। बस वहीं से तुम्हारे खेल का खात्मा शुरू हो गया था। ये मटिया और चेतना, ये भी तुम्हारे इस प्लान में शामिल थे? हाँ सर, ये दोनों भी मेरे ही साथ थे, लेकिन इन्होंने ही आपको वंश की आंख के बारे में बताया। बस यही गलती की तुम्हारे लोगों ने आग दिखाकर, और अगर हम वहां वक्त पर नहीं पहुंचे तो तुम शायद शिवानी को भी मार डालते। अब तुम और तुम्हारे वो दो साथी मठिया और चेतना जेल में सड़ते बैठना। कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल से निकलकर शिवानी भी तुम्हारे साथ ही आएगी जेल में। सब मिलकर नए नए प्लान्स बनाना फांसी का ऑर्डर आने तक। और डॉली जी, अब ये अभी आपके पास नहीं रहेगा। उसका ख्याल आप नहीं करेंगे, उसका ख्याल हम करेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज। We'll be right back.